आजम खान के रामपुर में उपचुनाव के सियासी समीकरण बदल रहे हैं। सत्ता के खौफ के बीच शहर के कुछ नामचीन और आजम के पुराने साथियों में बीजेपी के प्रति प्रेम जाग गया है। यही वजह है कि कानूनी शिकंजे में फंसे कई दागियों के लिए उपचुनाव में बीजेपी वैतारणी बन गई है, जिसमें डुबकी लगाकर वो सुकून से जिंदगी बसर करना चाहते हैं। यूं तो बीते कई दिन से रामपुर में काफी लोगों का झुकाव बीजेपी की ओर बढ़ते देखा जा रहा है, लेकिन रविवार और सोमवार को सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी से पकड़ा गया। सपा के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान के भरोसेमंद और लंबे समय तक उनके मीडिया प्रभारी रहे फसाहत अली खान शानू ने भी आजम का साथ छोड़ दिया। उन्हें करीब से जानने वाले यही कह रहे हैं कि शानू पर सपा में रहते वक्त आजम की वजह से बहुत से मुकदमे दर्ज हुए हैं और अब वो राहत चाहते हैं, इसलिए बीजेपी के साथ चले गए। इसी तरह रामपुर के जाने माने ट्रांसपोर्टर ताहिर अली पर भी कार्रवाई की तैयारी चल रही थी, जिसको लेकर उन्होंने भी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान कर दिया। साथ ही 8 माह पहले कांग्रेस से सपा में गए और टिकट न मिलने पर फिर कांग्रेस ज्वाइन कर विधानसभा चुनाव लड़े अली यूसुफ अली भी पिछले दिनों भाजपाई हो गए हैं। अब इनके केस वापसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि ये बात अलग है कि जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष मशकूर अहमद मुन्ना ने ना तो बीजेपी ज्वाइन की है और ना ही बीजेपी के समर्थन का ऐलान किया है, लेकिन जिस तरह से वे सपा में बगावत कर रहे हैं उसे बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुँचाने वाले कदम के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल मशकूर अहमद मुन्ना को भू माफिया घोषित किया जा चुका है और उनका केस हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। पोर्टल से उनका नाम हट जाए वो इसकी कवायद में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आजम खान के करीबियों का इस तरह से उनको छोड़कर जाना आजम को कितना नुकसान पहुंचाता है।